जाएगा। हमारे साथ हैं एंजल कमोडिटीज के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता। अनुज, गुड मॉर्निंग। ब्रेंट देखिए $71 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, बाकी मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत हरकत देखने को मिल रही है। आज आपकी ट्रेडिंग आइडियाज क्या है, क्या सौदा लेंगे? गुड मॉर्निंग अर्चना जी, हमने क्रूड में एक तेजी का माहौल देखा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन का असर क्रूड पे आता हुआ देखा है, तो हमें लगता है कि क्रूड में जो पॉलिसी रहेगी वो बाइंग की रहेगी। हमें लगता है कि क्रूड में करीबन 4200 के आसपास सेंसेक्स में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4150 का रहेगा, टारगेट करीबन 4280-4300 तक देखने को मिल सकता है, और ब्रेंट एक्सपेक्टेड है कि $73 से लेकर $74 तक के लेवल दिखा सकता है। और वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी जो क्रूड की तेजी है उसका असर देखने को मिलेगा, और जो हमने देखा है कि जो ट्रेड वॉर है उसका असर भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर इंडेक्स में वीकनेस है, तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा, गोल्ड के अंदर भी बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट ऊपर करीबन 31,100 तक देखने को मिल सकता है। और अगर रुपी डॉलर की बात करें तो हमें लगता है कि इंडियन रुपीज आज थोड़ा एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है, तो डॉलर के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। मुझे टारगेट करीबन 64.80 तक देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया अनुज इस जानकारी के लिए, लेकिन अहम बात यही है कि कच्चे तेल में उबाल जारी रह सकता है और ये इक्विटी मार्केट्स के लिए शायद एक नेगेटिव ट्रिगर रहेगा, उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हैं तो 4200 के टारगेट के लिए तेजी करें क्रूड एमसीएक्स में, और सोने में भी चमक बढ़ेगी, यहां पर 31,100 का टारगेट अनुज ने दिया है।